को भेजे, उसी दिन इवनिंग में वो एडमिट हो गए। मैडम आप खुद मास्क नहीं लगाए और पेशेंट को भी मास्क लगाने के लिए नहीं बोल रहे। अभी मेरे को एक बात बताओ, 50-60 आज का कितना बोला आपने ओपीडी हुआ? 112 ओपीडी हुआ आज का, तो 112 में से सबका पेशेंट अच्छे थे क्या? नहीं ना, और सबके लिए थोड़ी मैडम ये करेगा। आपने बोला बीच बीच में जाते रहते, तो फिर उसको तो कोई तो चेक किया ही होगा ना उनको, पेशेंट को तो ठीक है। हमारे जो स्थानीय कॉर्पोरेटर है उनका भी काम है ये, उनकी भी जिम्मेदारियाँ होती है कि हेल्थ सेंटर पे जाके टाइम टू टाइम विजिट दे और वहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है वो सारी चीज़ों का निरीक्षण करे। एक बजे के बाद मैडम निकल जाते हैं। नहीं नहीं, अभी कितने बजे? 5 मिनट। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। SVC केबलनेट प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपके लिए लाए है सुपर फास्ट इंटरनेट सर्विस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, कॉर्पोरेट एंड रेसिडेंशियल प्लान्स विद जीरो डाउन टाइम। आज ही संपर्क करें SVC केबलनेट प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं भिवंडी कॉरपोरेशन के ठीक सामने और यहाँ से भिवंडी कॉरपोरेशन से पूरे भिवंडी शहर में तकरीबन 17 हेल्थ सेंटर, एक्चुअली है 24 लेकिन उसमें से 17 प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि एक्टिव है, चल रहे हैं, ऑपरेटेड है। लेकिन वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या लोगों को सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है, हम वहाँ पे जाके बताएंगे। हमें बहुत सारी शिकायतें मिली थी कि वक्त पे डॉक्टर्स नहीं रहते, मेडिसिन टाइम पे नहीं मिलती है, और भी कई शिकायतें आई थी कि लोगों के साथ में ठीक से बातें नहीं करते हैं, मतलब पेशेंट के साथ में ठीक से बातें नहीं होती है, डॉक्टर्स हमेशा गायब रहते हैं, उनके एबसेंस में जो नर्सेस है वो चेक करती। तो इसके लिए हमने ये सोचा था कि जाके डायरेक्ट ही हम वहाँ पर सर्वे करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, जो वहाँ के स्टाफ है उनसे बातचीत करके देखेंगे कि क्या निकलता है। तो आइए चलते हैं हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के दौरे पे और देखते हैं कि क्या हमें समझ में आता है। ये नदी नाका का है, नदी नाका हेल्थ सेंटर, यहाँ पे भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अभी कितने दिन से उनको ये हुआ है? यहाँ पे जो डॉक्टर रुकी है वो तो जब से मैं आया हूँ 2 महीने को रुकी है, लेकिन अभी स्पोर्ट्स से नहीं है। मैडम मुझे नहीं है, मैडम को भी हाई हो गया, या मैंने कुछ चेक करे हाई हो गया, या से रिक्शा बुला के उनको भेजे, उसी दिन इवनिंग में वो कभी की बात है, वो कभी की बात है। अभी की ना ये उस दिन देखिए 3 तारीख से, दो तारीख के दोपहर की मैडम का बीपी हाई हो गया, मैंने कुछ चेक करे। मैडम ने कुछ वहाँ लेटर दिया अपने पे, वो डायरेक्ट इवनिंग में वहाँ एडमिट इन्फॉर्म किया, वहाँ पे मैं इन्फॉर्म करे हमारे ऑफिस में करे इन्फॉर्म। लेकिन यहाँ पे कोई मास्क नहीं कुछ नहीं, तो वो चीजें भी जो होती है ना, अभी गाइडलाइन हमारे लिए थोड़ी सबके लिए ना। तो दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गया, कॉरपोरेशन हो गया, ये बार बार लोगों को सूचित कर रहे हैं, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाला जो वायरस है ओमिक्रॉन, ये कोरोना का एक वेरिएंट है और इसे बचने के लिए दोबारा यहाँ पे आपको मास्क की ज़रूरत है, सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, हो सकता है आने वाले दिनों में और पाबंदियाँ कड़ी हो जाए। और इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पर जाके देखें कि हेल्थ सेंटर की क्या हालत है, क्या वो लोग इस तरीके की इस आने वाली बीमारी के लिए तैयार है या तो फिर उसके लिए प्रिपेयर है। हेड ऑफिस से अभी कौन है डॉक्टर? ड्यूटी पे खड़ा हूँ अभी, ऑन ड्यूटी कौन है? ऑन ड्यूटी प्रिया फड़के, हेड ऑफिस ले प्रिया फड़के। तो डॉक्टर के एब्सेंस में कितने कौन है ओपीडी करते? नहीं ओपीडी तो कोई ऐसा नहीं निकलते, फार्मासिस्ट है ओपीडी निकलते, आज कितना ओपीडी हुआ? 107। 107
हाँ 107 ना 107 ना किसने चेक किया मैडम? पूरा 107 करके गई थी। 2 बजे तक थी मैडम। 2 बजे तक 107 कहाँ से होगा? क्या नाम है डॉक्टर? कौन है यहाँ पे डॉक्टर? कौन है ड्यूटी पे? नहीं डॉक्टर कौन है ड्यूटी पे? डॉक्टर सुमैया। पूरा नाम क्या है? नहीं हम लोग थोड़ा सा आए थे सर वे थे। हाँ। तो डॉक्टर नहीं है? अच्छा। हाँ। तो कब गई मैडम यहाँ से? कितना टाइम हुआ? आधा घंटा हुआ। कहाँ घर गई क्या? सुबह से आए थे कि नहीं? आए थे। अच्छा कितने ओपीडी दिया? आज ओपीडी 112। 112 अभी तो आप लोग ही देखते हो क्या? आते हैं ना मैडम बच्चे ना। अच्छा अभी इसमें जाते हैं क्या? फिटिंग के लिए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसके लिए आते हैं क्या? लेबर वार्ड के लिए, प्रेगनेंसी के लिए है कुछ यहाँ पे? कार्ड कौन बनाते हैं यहाँ पे? अच्छा मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैडम भी नहीं थी ना 1 बजे तक। तो फिर उस दिन ओपीडी कौन देखा था? अब ऐसा तो नहीं है कि कोई पेशेंट आया तो उसको बिठा के रखो यहाँ पे दो दो घंटा एक एक घंटा के मैडम आ रही तो रुको करके तो चेक करते होगे ना आप लोग? फिर सीरियस पेशेंट तो यहाँ ऐसे भी नहीं आएगा, वो तो आईजीएम में जाएगा ना। सीरियस पेशेंट तो आपको देखना भी नहीं ना। हाँ अभी मेरे को एक बात बताओ, 50-60 आज का कितना बोला आपने ओपीडी हुआ? 112 ओपीडी हुआ आज का। तो 112 में से सबका पेशेंट अच्छे थे क्या? नहीं ना। और सबके लिए थोड़ी मैडम ये करोगे? आपने बोला बीच बीच में जाते रहते तो फिर उसको तो कोई तो चेक किया ही होगा ना उनको पेशेंट को? तो मैडम आ जाते हैं अगले घंटे में। ठीक है चलो ठीक है अच्छी बात है। प्रेगनेंसी का कार्ड कौन बनाता है? सिस्टर लोग बैठते हैं। कौन से दिन है प्रेगनेंसी का? सोमवार का? बुधवार है यहाँ पे। बच्चों का सोमवार है। ठीक है थोड़ा आप लोग बैठे थोड़ा मास्क वास्क लगाओ आप लोग भी। कहाँ गए? क्या नाम है डॉक्टर का? कौन है यहाँ पे? कौन है डॉक्टर? डॉक्टर विशे तेजस विशे। ये तो मैडम बोल रहे थे। वही मैडम। मैडम के नाम तेजस विशे। अच्छा अच्छा कितना ओपीडी होता है दिन डॉक्टर? आज कितना हुआ? 71। तो कौन चेक करता मैडम का एक्सरसाइज? मैडम 1 बजे के बाद मैडम निकल जाते क्या? नहीं नहीं आप अभी कितने बजे निकले? 5 मिनट। क्योंकि ये छठा ये हेल्थ सेंटर है जहाँ पे मैडम और डॉक्टर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, और सबने यही बोला कि अभी 5 मिनट और निकला है, तो इसीलिए कंफर्म कर रहा हूँ मैं कि 5 मिनट और निकला, क्योंकि सैटरडे को भी अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे। सैटरडे को? हाँ भाई तो सैटरडे को भी नहीं थे यहाँ पे। संडे को भी नहीं थे? संडे भी नहीं थे, कल भी नहीं थे ना? नहीं कल संडे नहीं, मगर मोबाइल सेशन यहाँ पे भी नहीं थे ना? सेंटर बंद था क्या संडे के दिन? यहाँ पे इसके प्रेगनेंसी के केसेस आते हैं क्या? कौन हैंडल करता है? मैडम करते हैं हैंडल। उनको दवाइयाँ मिल रही है क्या कुछ? ये है क्योंकि बीच में उनको दवाइयाँ वगैरह नहीं मिल रही थी प्रेगनेंसी के लिए। लिवर ऑर्डर स्टॉक है, मेडिसिन का स्टॉक है बराबर से। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे हमने 6 हेल्थ सेंटर का दौरा किया और 6 हेल्थ सेंटर पे विद इन ए टाइम, जैसे कि हमने गए थे, हम लंच के बाद में गए थे वहाँ पे, एक जगह पे भी एक भी हेल्थ सेंटर पे है डॉक्टर्स नहीं मिले हमारे को। और साथ साथ में जब हमने बातें की तो कहाँ पे कहीं पे नर्स चेक कर रही है, ओपीडी चेक कर रही है, और कहीं पे कुछ मेडिसिन की तकलीफ़ है। किसी भी हेल्थ सेंटर का जो स्टाफ होता है, किसी भी स्टाफ के चेहरे पे ना मास्क था, ना वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आई, ना वहाँ पे और भी सारी चीज़ें जो होते कि आप सैनिटाइज़र वगैरह नहीं था।
यहाँ तक कि जो डॉक्टर का टाइमिंग होता है वहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था कि डॉक्टर का टाइमिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सारी बातें काफ़ी निराश करने वाली बातें हैं और यहाँ पे ये सारा कंट्रोल जो है महानगर पालिका से चलता है। डॉक्टर खरा जो कि इस सभी चीज़ों के हेल्थ ऑफिसर है, भिवंडी के हेड हेल्थ ऑफिसर है, उन्हें भी चाहिए कि इन सभी बातों के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं सब वक्त से पहले चले जाते हैं और कुछ कुछ तो कहीं कहीं छुट्टियों तक रहते हैं, लेकिन किसी का परेशानी हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं आखिरी बात आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो हेल्थ सेंटर हो गया, IGM हॉस्पिटल हो गया, ये लोगों की सुविधाओं के लिए है। अगर हेल्थ सेंटर में लोगों को ठीक से OPD का इलाज मिलेगा तो IGM हॉस्पिटल के ऊपर लोड कम आएगा। IGM हॉस्पिटल के ऊपर डेली का 1000 से 1200 का यहाँ पे एक OPD का ये रहता है, क्राउड रहता है। और अगर हेल्थ सेंटर पे ही रोज़ का 100-150 क्राउड अगर वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, अगर डॉक्टर्स रहेंगे टाइम पे तो IGM हॉस्पिटल के ऊपर भी लोड बहुत कम होगा, काफ़ी हद तक कम होगा और लोगों को अच्छी सुविधाएँ मिल पाएगी। ये हेल्थ सेंटर बनाए इसीलिए गए ताकि लोगों के घर के पास में उनको सुविधा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे जो स्थानीय कॉरपोरेटर है उनका भी काम है, ये उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि हेल्थ सेंटर पे जाके टाइम टू टाइम विजिट दे और वहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है वो सारी चीज़ों का निरीक्षण करे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी कॉरपोरेटर ने जाके वहाँ पे विजिट भी दिया होगा या वहाँ पे जाके पूछताछ की होगी, क्योंकि जितना कैजुअल अप्रोच हमें लग रहा था वहाँ पे जाने के बाद में आपने देखा तो ये चीज़ें हमें समझ में आ रही थी कि ये यहाँ पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है, सब अपनी मन मर्जी के मालिक है। किसी को भी समझ में आ रहा है जा रहा है, छुट्टी ले रहे, बस फॉर्मेलिटी के लिए रिपोर्ट्स बना के भेज देते ताकि लोग जो है खुश होते रहे और पब्लिक जो है ये पीड़ित होते रहे। तो इस तरह की चीज़ें ना होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपके लिए हम निकले हैं और आपके लिए ही हमने ये सर्वे किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमारा ये सर्वे पसंद आया होगा। हमारी बस एक ही मांग है कि जितने भी हेल्थ सेंटर है स्मूथली चले, अपने टाइम पे चले, लोगों की बेनिफिट के लिए, लोगों की फैसिलिटी के लिए बने गए तो उनको फैसिलिटी पहुँचाएगा। तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज से, थैंक यू।